What does the grass say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty analysis from tradingfab.in. आज 14 मई 2020 थर्सडे है, सुबह के 7:57 हो रहे हैं। थर्सडे है, वीकली एक्सपायरी का दिन है। निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स में काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। कल ही फाइनेंस मिनिस्टर सीतारामन जी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें फर्स्ट पार्ट 20 लाख करोड़ के इकोनॉमिक पैकेज का फर्स्ट पार्ट उन्होंने अनाउंस किया। तो सबसे पहले इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में कुछ जो पॉइंट्स है वो देख लेंगे, फिर ग्लोबल मार्केट्स में जो अभी सिनारियो जो बन रहा है उसके बारे में थोड़ा जान लेंगे, और उसके बाद निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। तो कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ मेजर पॉइंट्स थे। एमएसएमई सेक्टर को काफ़ी राहत भरे पैकेज उन्होंने दिया है। जो एमएसएमई सेक्टर में यानी स्मॉल माइक्रो और मीडियम एंटरप्राइजेस है, अगर वो एक्सपांशन करना चाहते हैं तो जिस एमएसएमई के जो बेनिफिट्स उनको मिलते हैं वो कंटिन्यू उनको मिलते रहेंगे। और फिर जो लोन है वो विदाउट गारंटी लोन उनको मिल सकता है, एक साल तक कोई ईएमआई नहीं होगा। और उसके बाद जो एम्प्लॉयज़ है उनके लिए जो पीएफ होता है, जो कंपनी उनके बिहाफ कंट्रीब्यूट करती है, वो गवर्नमेंट करेगी। और जो टीसीएस टीडीएस है उसमें भी कटौती की है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं जिसके बाद लोगों के हाथ में थोड़ा पैसा आ सकता है, उनकी परचेसिंग पावर यहाँ पर थोड़ी बढ़ सकती है। एनबीएफसीज और एमएफआईज को लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें थी। रियल इस्टेट को भी अच्छा खासा एक कहे तो रिलीफ दिया गया है, जो भी प्रोजेक्ट की एक्सपायरी डेट है वो बढ़ा दी गई है। रिटर्न्स आईटी रिटर्न्स की भी सबमिशन डेट उन्होंने बढ़ा दी गई है। तो काफ़ी कुछ मेजर पॉइंट्स थे। तो इसके बाद सेकंड पार्ट आने वाला है, ये फर्स्ट पार्ट था। जो प्राइम मिनिस्टर का स्पीच हुआ था एक दिन पहले, तो उसमें कुछ ज़रूरी दो पॉइंट्स थे। एक तो था कि देश को आत्मनिर्भर यानी सेल्फ रिलायंस बनाना काफ़ी ज़रूरी है। और दूसरा पॉइंट पीएम ने कहा कि ये जो कोरोना वायरस है इसका जब तक वैक्सीन नहीं मिलता तब तक इस वायरस के साथ हमें एडजस्ट करके जीना होगा, बिजनेस को भी आगे बढ़ाना होगा और एक डिसिप्लिन वे में हमें हमारी लाइफ फिर से शुरू करनी होगी। तो जो ये दो पॉइंट है, पहला तो आत्मनिर्भर, इसके वर्ड के पीछे जो एक थॉट है वो समझ के लेना काफ़ी ज़रूरी है। अभी जो ये वायरस है ये बाहर से है, बाहर के देशों से आ रहा है। तो अभी फिलहाल पूरे दुनिया में एविएशन इंडस्ट्री बंद है। तो ये जब बाहर से इंपोर्ट होगा, हम काफ़ी सारे चीज़ें बाहर से इंपोर्ट करते हैं, तो काफ़ी रिस्क होगा उसमें कि अगर हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो उसके साथ ये कोरोना वायरस का फिर से एक बार आउटब्रेक है वो हमारे कंट्री में हो सकता है। इसके लिए जो भी चीज़ें हमारी इस कंट्री में बन रही है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना ज़रूरी है। कम से कम हम बाहरी देशों के ऊपर डिपेंड रहे तो ये हमारे कंट्री के लिए काफ़ी अच्छा होगा। और जितना हो सके उतनी अच्छी चीज़ें हमारे कंट्री में अगर प्रोडक्शन होता है उसका, तो हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ सकता है। अगर हम सुपर पावर अमेरिका को भी देखें तो अभी उन्होंने भी इंडिया के आगे दवाई के लिए डिमांड की है, इतना सुपर पावर होने के बाद भी। मिडल ईस्ट कंट्रीज़ को देखें तो वहाँ पर सिर्फ ऑयल का प्रोडक्शन होता है। अगर इस समय में इस सिनारियो में अगर वो भी अगर दूसरे देशों के ऊपर डिपेंड रहते हैं और इम्पोर्ट दूसरी चीज़ों के लिए इम्पोर्ट अपना कंटिन्यू रख सकते हैं, तो वहाँ पर भी इस कोरोना वायरस का फिर से एक बार आउटब्रेक हो सकता है। तो ये काफ़ी रिस्की है। इसके लिए ये जो आत्मनिर्भर यानी सेल्फ रिलायंस का बार बार पीएम अपने स्पीच पे जिक्र कर रहे थे वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जब तक वैक्सीन नहीं मिल जाता तब तक हमारे देश में जो उत्पादन हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, वो चीज़ें अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें और नई चीज़ों को बढ़ावा दें प्रोडक्शन के लिए, ये काफ़ी ज़रूरी है। दूसरी बात थी कि कोरोना वायरस का वैक्सीन मिलने तक हमें इसके साथ एडजस्ट करना होगा, यानी जो पहले जैसे फुल फ्लेज में बिजनेसेस चलते थे वैसे अब नहीं हो सकते। आप भले ही कितना राहत का पैकेज दे लेकिन जो बिजनेस है कुछ ना कुछ तो अफेक्ट होगा, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर सकते वो बिजनेस काफ़ी इफेक्ट हो सकते हैं। तो कितने ही भले ही आप कितने ही राहत पैकेज दे, जब तक फुल फ्लेज बिजनेस शुरू नहीं होते तब तक इकोनॉमी यहाँ पर पटरी पर
जो जनवरी फरवरी में थी उस लेवल पर आने तक यहाँ पर टाइम लग सकता है। तो ये ग्लोबल सिनेरियो है अब तक का। चलते हैं सबसे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं। ये कल का पिक्चर है यानी 13th में आफ्टर मार्केट आज ये पिक्चर लिया हुआ है। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर यहाँ आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 9356 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 9159। तो जैसे ही पीएम का स्पीच हुआ था कि इकोनॉमिक पैकेज का ऐलान हुआ है 20 लाख करोड़ का, तो कुछ डिटेल्स भी नहीं आए थे, लेकिन मार्केट में एक वेव चलती है पॉजिटिव वेव, उसके कारण कल हमने देखा सडन ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स का गैप अप ओपनिंग यहाँ पर देखने को मिला। जैसे कल हमने एनालिसिस किया था कि अगर एक्सट्रीम गैप अप ओपन होता है तो वेट करना होगा, ऊपर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और ये जो हमारे लेवल से कल जो हमने फर्स्ट टारगेट सेकेंड टारगेट और ब्रेकआउट लेवल को आइडेंटिफाई किया था, इसी के रेंज में पूरा दिन ये ट्रेड हो रहा था। जैसे ही ऊपर से टूवर्ड्स साउथ की तरफ ये मूव हुआ तो एग्जैक्ट ब्रेकआउट लेवल के पास इसने सपोर्ट टेस्ट करके एक बाउंस बैक दिखाया और तभी फर्स्ट टारगेट सेकेंड टारगेट दोनों भी अचीव हुए और पूरा दिन इन्हीं लेवल्स के बीच में ये ट्रेड हो रहा था। कंटिन्यूस इसने 3 बार ब्रेकआउट लेवल के पास यहाँ पर सपोर्ट टेस्ट किया और बाउंस बैक दिखाया और तभी फर्स्ट टारगेट सेकेंड टारगेट अचीव हुए। काफ़ी एक्यूरेट लेवल साबित हुए थे, ये रेंज काफ़ी एक्यूरेट साबित हुई। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 34 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 25,500 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। ग्लोबल मार्केट्स के हालात देख लेते हैं क्विकली। कल अमेरिकी बाजार नासडैक में फिर से एक बार गिरावट देखने को मिली, 139 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। जो फेडरल रिजर्व के चेयरमैन है उनका एक बयान आया कि यहाँ से वी शेप रिकवरी देखना है यूएस इकोनॉमी में काफ़ी मुश्किल है, उसके लिए टाइम लग सकता है, टाइम एक्सटेंड हो सकता है क्योंकि वायरस का जो आउटब्रेक है उसमें सेकेंड वेव थर्ड वेव भी आ सकती है। कम्प्लीटली जब तक वैक्सीन नहीं मिल जाता है इसका तो ये पूरी तरह से ख़त्म हो गया है ऐसा कह नहीं सकते, तो इसका काफ़ी असर लंबे समय तक देखने मिलेगा। तो वी शेप रिकवरी यहाँ से काफ़ी डिफिकल्ट लग रही है ऐसा एक बयान आया और उसके बाद वहाँ पर भी एक गिरावट देखने को मिली। यूरोपियन मार्केट्स देखे तो वो भी लाल निशान में बंद हुए। एशियाई बाजार भी देख रहे सभी लगभग लाल निशान में इस समय ट्रेड कर रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी 143 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है। डाउ फ्यूचर की बात करें तो 46 पॉइंट की कमजोरी इस समय दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स में फिर से एक बार प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट से शुरू करेंगे। ये वीकली चार्ट है निफ्टी इंडेक्स का। अगर मूविंग एवरेजेस को देखें तो अभी ये जो अप ट्रेंड का सिनारी होता है उसमें असेंडिंग ऑर्डर्स में रहते हैं मूविंग एवरेजेस, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मिड टर्म मूविंग एवरेज, और उसके ऊपर निफ्टी इंडेक्स ट्रेड करता है। जब डाउन ट्रेंड होता है तभी ये डिसेंडिंग ऑर्डर्स में रहते हैं। तो इसका अभी वीकली चार्ट में ये फॉर्मेशन लगभग यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। अगर डेली चार्ट में देखें तो ये जैसे यहाँ पर फॉर्मेशन है डिसेंडिंग ऑर्डर्स में, पहला शॉर्ट टर्म, फिर मिड टर्म और उसके बाद लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज, और उसके नीचे ये इंडेक्स ट्रेड हो रहा है। अभी वीकली चार्ट यानी लॉन्गर लॉन्ग टाइम फ्रेम के चार्ट में ये सीनरियो फिर से यहाँ पर बन रहा है। ये रिकवरी जो आया था इसका फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल निकाले तो 38.2% का ये जो लेवल था ये ऑलमोस्ट इसने अचीव कर लिया था। कल जो पॉजिटिव न्यूज़ आया था पैकेज के बारे में उसके बाद यहाँ पर कल हमें सडन एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिला, हालांकि सस्टेन नहीं कर पाया उस लेवल पे और फिर थोड़ा सा नीचे आके एक साइडवेज पैटर्न में पूरा दिन ये ट्रेड होते रहा। तो आज क्या हो सकता है, आज क्या लेवल्स हो सकते हैं, डेली चार्ट में देखते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल। कल ओपन होने के बाद ये 50 EMA यानी ये जो ब्लू लाइन है यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था और इतना गैप अप ओपन होने के बाद प्रॉफिट बुकिंग भी आना लाजमी है। तो यहाँ से टूवर्ड्स साउथ की तरफ ये मूव हुआ और फिर से एक बार 23.6 लेवल जो था फिबोनाची रिट्रेसमेंट इसी लेवल के पास आके इसने सपोर्ट टेस्ट किया है। अभी ये जो 20 EMA है ये जो पिंक लाइन यानी 9250 के पास है अभी ये, तो हो सकता है इस लेवल के पास ये एक सपोर्ट टेस्ट करे। अगर ये सपोर्ट फिर से एक बार ये ब्रेक करता है तो निफ्टी इंडेक्स फिर से टूवर्ड्स ये साउथ की तरफ आ सकता है। इकोनॉमिक पैकेज का ऐलान
कितना यहाँ से कारगर साबित होगा ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वायरस के साथ अगर जीना है तो बिजनेस फुल फ्लेज यहाँ से स्टार्ट नहीं हो सकते, काफ़ी कुछ रूल्स और रेगुलेशंस आ सकते हैं। तो यहाँ पर देखना होगा ये जो पैकेज अनाउंस किया है वो कितना इकोनॉमी को हेल्प करता है। तो यहाँ पर 20 A में 9,250 का मेजर सपोर्ट है, वो ब्रेक होता है तो निफ्टी इंडेक्स यहाँ से फिर से टूवर्ड साउथ की तरफ हमें मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। ऊपर अगर कंटिन्यू इसको अपसाइड मूव कंटिन्यू दिखाना है तो ये जो 50 EMA का हर्डल है, ब्लू लाइन जो अभी 9,600 के पास है, उसके ऊपर सस्टेन होना काफ़ी ज़रूरी है। तो ये यहाँ से हमें कंटिन्यू अपसाइड मूव यहाँ से कंटिन्यू ऊपर की तरफ होते हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये डेली और वीकली चार्ट का सीनारियो है। फिलहाल चलते हैं 60 मिनट की चार्ट में, इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। अगर SGX निफ्टी और ग्लोबल मार्केट को देखें तो इस वक्त कमजोरी वहां पर साफ तौर पे दिखाई दे रही है। तो मेजर सपोर्ट अभी आर्ली चार्ट में ये जो 20 और 50 EMA के आसपास है। अगर यहाँ से गैप डाउन ओपन होता है और ये जो S1 का लेवल है यानी 9,294 के पास अगर ये इसको ब्रेक करता है और टूवर्ड साउथ की तरफ मूव करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजिशन बना सकते हैं। तो इसे हम मार्क कर देते हैं एज हमारा ब्रेकडाउन लेवल, यानी 9,293 ये हमारा ब्रेकडाउन लेवल होगा। और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा ये 100 EMA का, ये जो ग्रे लाइन है उसके जस्ट ऊपर यानी 9,262, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट होगा 9,237, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। यहाँ पर देख सकते हैं पास्ट में इसने रेजिस्टेंस फेस किया था इस लेवल के बाद, और बाद में नेक्स्ट डे यहाँ पर इसने सपोर्ट टेस्ट किया है, ये यहाँ पर सपोर्ट टेस्ट किया है और इसके पहले इसने रेजिस्टेंस फेस किया था। तो ये लेवल काफ़ी क्रूशियल हो सकता है, ये लेवल के पास एक सपोर्ट टेस्ट कर सकता है। अगर एक्सट्रीम गैप डाउन ओपन होता है तो इन लेवल्स के नीचे सस्टेन होने दीजिए मार्केट को, फिर ही आप शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं इंट्राडे के लिए। और अगर ऊपर की तरफ ये मूव करता है तो यहाँ से जो ये फॉल आया था कल ओपन होने के बाद, एक फॉल आया था और उसके बाद जब रिकवरी दिखा रहा था फिर से बाउंस बैक होने की कोशिश कर रहा था, तो इस लेवल के पास ये फिर से एक बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। ये देखिए इस लेवल के पास जहाँ पर इसने 2 दिन पहले एक रेजिस्टेंस फेस करके टूवर्ड साउथ की तरफ मूव दिया है, मूव दिखाया था। तो ये जो लेवल है इसको ब्रेक होने दीजिए 9,440 को, तो ये इंट्राडे के लिए हम बाय पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 9,475, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट होगा 9,505, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो यह है निफ्टी के लिए आज के लिए इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको यह वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर करें, कमेंट करें, आपके दोस्तों के साथ भी इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर शेयर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग। ट्रेडिंग फैब एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, 5paisa है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं तो आपको हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट यहाँ अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही ये वेब पेज ओपन होगा तो आपके यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करने हैं तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो। अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो क्लाइंट आईडी है वो आपको हमें इस नंबर पे कॉल करके कंफर्म करना है ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सकें। तो ये एक छोटा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में।